गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचीश मेहरा ब्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो आज है फ्राइडे और आज मैंने पहना हुआ है ये ग्रे कलर का सूट। नहीं, मैंने दिन में व्लॉग बनाया था बट व्लॉग आधा ही रिकॉर्ड हुआ और आधा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं सबको डिलीट कर दिया और अब मैं फिर से व्लॉग बना रही हूँ। अभी हो रहा है टाइम शाम के 8 बज रही है अभी, क्योंकि आज फास्ट है तो भगवान को भी भोग लगाते हैं। तो आज मैंने भोग में बनाया हुआ था सूजी का हलवा, आप देख सकते हो। मैं तो अभी धीरे धीरे से ठंड स्टार्ट हो रही है, मीन्स हल्की हल्की सी ठंड लग रही है शाम होने पर। मुझे लगता है कि दिवाली के पहले ही जैकेट ना निकालने पड़ जाए। गाइज, आप देख सकते हो कि मेरे सूट के साथ पर्दा बहुत ही ज्यादा मैचिंग हो रहा है, मैचिंग बैकग्राउंड है। मैं नवरात्रि में व्लॉग्स बनाना चाहती थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जिस दिन हम फास्ट रखते हैं तो सुबह से रात तक का दिन कैसा होता है। गाइस, मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि यहाँ पर आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे माता जी के गाने भजन वगैरह चलते थे, तो जिसका साउंड बहुत ज़्यादा होता था। घर के पास में जो तालाब है उसके साइड में गरबा हो रहा था, तो ना ही मैं दिन में व्लॉग्स बना पाती और ना ही मैं रात में वॉइस कर पाती, तो इसी वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी। बट कोई नहीं, इस बार की नवरात्रि में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि नवरात्रि के फर्स्ट डे ही हम डोंगरगढ़ गए हुए थे और 9 दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी करवा चौथ की प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मैं करवा चौथ में क्या पहनने वाली हूँ और कैसे तैयार होने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें सोचनी है अभी मुझे। अभी बाकी दिन का तो व्लॉग्स मुझे नहीं पता, बट करवा चौथ का व्लॉग मैं मॉर्निंग से लेकर पूरे रात तक के बनाने की कोशिश करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि हम लोग करवा चौथ कैसे मनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा व्लॉग। Bye guys!